अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम फॉरएवर सर्वर के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कौन कौन सी कैटेगरी पर कौन सी सेटेलाइट इस पर इस वक्त चल रही है। काफ़ी सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता होता कि फॉरएवर सर्वर है क्या, तो उनकी मालूमात के लिए ये बताता चलूँ कि जो सी लाइन पर चैनल नहीं चलते, मसलन जियो टीवी, जियो कहानी, उसके बाद जियो सुपर, इस तरह के जो चैनल हैं तो वो फॉरएवर सर्वर पर चलते हैं। अब इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है और हमें कौन सा पैकेज लगवाना चाहिए, क्योंकि सबसे जो बड़ी मेन टेंशन है कि इसको चार कैटेगरीज में तकसीम तो कर दिया है, लेकिन हमारे काफ़ी सारे दोस्तों को ये पता नहीं चलता कि हमने कौन सा पैकेज, किस कैटेगरी का पैकेज लगवाना चाहिए, जो हमारे जो हम मतलूबा, जो हमारी सेटेलाइट हम देखना चाहते हैं तो वो इस पे चले। तो इसके बारे में तफसील से एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो जी नाज़रीन, बात कर लेते हैं कैटेगरीज के बारे में। इसकी चार कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी है IKS, नंबर टू पे आती है VIP, नंबर थ्री पर जो इसकी कैटेगरी है वो SP1 और नंबर फोर पर जो इसकी कैटेगरी है SP2। अब IKS जब आप नया रिसीवर लेते हैं तो इसमें आपको 15 माह का पैकेज फ्री मिलता है और उसके बाद आपको ये रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब IKS पैकेज जो है इस पर एशियन सेटेलाइट्स जो भी हैं वो चलती हैं, मसलन एशिया सेट 7 होगी, पाक सेट 38° होगी, वीडियो कौन होगी, एयरटेल वगैरह 80° होगी, ये सब जो है सेटेलाइट्स इन पर चलती हैं। मैं आपको ये अभी से रिकमेंड कर दूं कि जो एशिया में, मतलब हम पाकिस्तान में, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, इंडिया से कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, तो हमें यही पैकेज करवाना चाहिए। एक तो ये सस्ता भी है और दूसरे नंबर पर यह है कि हमने ज़्यादातर एशिया की ही सेटेलाइट्स देखनी होती हैं, तो ये पैकेजेस हमें करवाना चाहिए। नंबर टू पर जो आ रहा है वो है VIP पैकेज। अब यह मिडल ईस्ट और अफ्रीका के जो इस पे सेटेलाइट्स होते हैं वो चलती हैं, जैसा कि बदर सेट हो गई, उसके बाद 36° होगी, नेल सेट होगी, ये वगैरह सेटेलाइट जो हैं ये VIP पे चलती हैं और इसका जो पैकेज होता है ये 6 माह का या साल का पैकेज आप इस पे करवा सकते हैं। नंबर थ्री पर जो सेटेलाइट है पैकेजेस है नाजरीन माजरत के साथ, वो है SP1। इस पे यूरोपियन सेटेलाइट सब सारी चलती हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह 13° होगी, 16° होगी, 9° होगी, 7° होगी, ये सेटेलाइट जो दोस्त यूरोपियन सेटेलाइट देखने के शौकीन हैं तो उनको मैं ये बताना लाजमी समझता हूँ कि आप SP1 वाला पैकेज करवाएं, तब आप जाके यूरोपियन सेटेलाइट की जो चैनल्स हैं वो देख सकेंगे। और उसके बाद नंबर फोर पर जो हमारे पास मतलब पैकेजेस आता है वो है SP2। इस पे एशियन सेटेलाइट, यूरोपियन सेटेलाइट और अपोलो, मिसाल अगर यूरोपियन और एशियन आप दोनों देखना चाहते हैं तो आपके लाजमी है आपके लिए कि आप ये वाला पैकेज लगवाएं कि SP2 जो पैकेज है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप यूरोपियन सेटेलाइट भी देख सकेंगे और एशियन सेटेलाइट भी देख सकेंगे। इस तरह ये जो पैकेज, पहले तो एक ही इसका इकसाम होती थी, लेकिन अब चार मुख्तलिफ इकसाम में इसको तकसीम भी कर दिया है। थोड़ी सी टेंशन भी होगी काफ़ी हमारे दोस्तों के लिए, उनको यही समझ नहीं होती कि भाई हमें कौन सा पैकेज लगवाना चाहिए। तो सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों वो यही है कि IKS जो पैकेज है एशिया में जो लोग रहते हैं और जो देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ जो है वो ड्रामों के ज़्यादा शौकीन होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के चैनल ज़्यादा देखने चाहते हैं और पेड चैनल होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो पैकेज है, एक तो उसकी रेट जो है 4000 के लगभग है, 3500-4000 रुपये पैकेज की रिचार्ज की कीमत है, और एक तो ये 12 माह मिलता है, एक साल आप आराम से ईजीली जो भी इसके एशिया पे जो सेटेलाइट्स हैं चलती हैं वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि लाइक करके कमेंट्स जरूर किया करें, और किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही तो पूछा करें, हम आपकी जरूर रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह ने कहा आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका, हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी।